सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषि'स वर्ल्ड में। आई होप गाइस आप सब बहुत ही बेहतरीन हो, रख रहे हैं अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस हम दोबारा से आ गए हैं एक और गाने के ऊपर रिएक्शन लेके। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई थी भैया कि आप बब्बू मान के गानों पर रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे। तो भाई ऐसा नहीं है, बब्बू मान पाजी तो हमारे दिल के टुकड़े, और उनके गाने सुनते तो मम्मी तो प्रसन्न हो जाती है। तो इनका एक गाना है जो कि थोड़े टाइम पुराना गाना है, गाने का नाम है देख। इस गाने के ऊपर रिएक्शन करते हैं, अड़प पंजाबी का ही ये गाना है और इस गाने के ऊपर हमने रिएक्शन नहीं करा, तो इसके ऊपर हम रिएक्शन करने जा रहे हैं। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ बब्बू मान के इस गाने के ऊपर रिएक्शन करने, क्योंकि इस गाने पर हमने रिएक्शन नहीं करा और बड़े टाइम बाद इनके गाने पर रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा फोकस से इस गाने को सुनेंगे और देखेंगे कि इन्होंने क्या ऐसी बात बोली है जो हमें इंस्पायर कर देगी। आप कुछ कहना चाहते हो? मैं तो ये कहूंगी अब हम देखेंगे देख में क्या है। पहले तो हम देख का ढक्कन खोलेंगे, फिर देख के अंदर झांकेंगे, फिर हमें पता चलेगा देख में क्या बना हुआ है, फिर उसके बाद हम उसका स्वाद चखेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कि देख कैसी है, और फिर हम आप उसका रिएक्शन बताते हैं। इसका मतलब अभी हमें पता नहीं है, अभी हम इसका अंदाजे लगा रहे थे इस गाने का मतलब क्या है। तो यार बिना किसी रोक टोक के गाने पे चलते हैं। उससे पहले बताया तो अगर आप यहाँ तक आ गए और आपने नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ कर नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करें, चलो जी लेट्स गो। सरदार गेटअप लिया होगा फोटोज में, तो ये नजर आ रहा है टेक लगा के खड़े हैं। दुनिया दे मालका सोने अर जोई तू, परोई तू दुनिया दे मालका सोने हर जोई तू, कतड़ी दी जिंदगी का तू सूला च परोई तू। वे छुट्टी लेके आ फौजिया, वे छुट्टी लेके आ फौजिया, तेनू लैन स्टेशन ते आवा हाड़ा मेरा माही मेल दे बाबे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करा बाबे मेरा माही मेल दे। अपने फौजी साथी को बोल रही है, अपने प्रेमी को बोल रही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरदास मांग रही है कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो है। सवेरे दे मैं फोटुआ नु तू हुए ये दो वड़ा दे मैं तेनु होर की प्रूफ वे। क्या बात है। उठ के सवेरे दे मैं फोटुआ नु तू हुए ये दो वड़ा दे मैं तेनु होर की प्रूफ वे, होर की प्रूफ वे। ओ बाला मैं चिराग तेल दे, ओ बाला मैं चिराग तेल दे, नंगे पैरी चौंकियां लामा जे तू मेरा माही मेल दे रब्बा बे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करा हड़ा बे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करा हड़ा बे मेरा माही मेल दे। क्या बात है भाई। बना
महीने पेंदी मठी मठी पूर्वे सुरुते सजना वे तू का तो दूर वे माघ दे महीने पेंदी मठी मठी पूर्वे सुरुते सजना वे तू का तो दूर वे तू का तो दूर वे ओ एक बारी हाक मार दे ओ एक बारी हाक मार दे ओ मन चीर मेरा माही मेल दे रब्बा वे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करामा आड़ा वे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करामा आड़ा वे मेरा माही मेल दे चल लीडरा नू बॉर्डरा ते ला दिया फौजिया नू दिल्ली दी गद्दी ते बिठा दिया बस चल लीडरा नू बॉर्डरा ते ला दिया फौजिया नू दिल्ली दी गद्दी ते बिठा दिया गद्दी ते बिठा दिया ओ बॉर्डरा तो तारा पटके ओ बॉर्डरा तो तारा पटके फूटे इश्क प्यार दिलावा ओ जे तू मेरा माही मेल दे रब्बा वे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करामा हाड़ा वे मेरा माही मेल दे सवा पांच दी मैं देख करामा हाड़ा वे मेरा माही मेल दे शानदार शानदार गाना इतना जबरदस्त लगा कि एक औरत के प्यार की फीलिंग है इसमें कि अगर वो इतना प्यार उसको कहती मैं सवा पांच की देख चढ़ाऊं अगर मेरा माही मुझे मिल जाए और मेरा माही आए तो मैं नंगे पैर लेने जाऊं और मेरा बस चले हाँ मेरा बस चले तो जितने नेता है ना सबको मैं वो फौज में बिठा दूं और मैं अपने माही को दिल्ली की ट्रेन में वापस बता दूं। वाकई में इतना इतना प्यार इतना जबरदस्त प्यार कहते सवेरे से लेकर शाम तक मैं भगवान को धूप बत्ती फोटुओं पे धूप बत्ती चढ़ाती हूँ धूप देती हूँ और इससे ज्यादा मैं प्रूफ क्या मांगती हूँ। प्रूफ तो सिर्फ उसका दिल है जो कहते ना कि किसी को क्या चढ़ाऊं भगवान को कुछ नहीं चाहिए भगवान को सिर्फ उसकी शुद्ध आत्मा चाहिए और वो शुद्ध आत्मा से वो अपने प्रेमी को प्यार कर रही है तो भगवान तो वहीं आके खड़ा हो गया। भगवान कहीं कहीं नहीं जाता अलचल में भगवान नहीं है भगवान उसके प्यार में उसकी पवित्रता में उसके दिल में और उसके आस पास बसा हुआ भगवान भगवान कहीं भी नहीं गया भगवान ढूंढ तो भगवान उसको तू मान रही है जिससे तू प्यार कर रही है सच्चा प्यार जिसे तुम करो वो भगवान ही होता है। मैं इससे ज्यादा और तो कुछ कह ही नहीं सकती वाकई में इतना सुंदर वर्ड उन्होंने बोले है ना कि एक लेडीज की फीलिंग बोली है कि एक लेडीज अपनी फीलिंग में क्या क्या अपने प्रेमी को कह रही है बहुत सुंदर आई होप ये बब्बू मान साहब तो हर किसी के दिलों में झांक लेते हैं और हर किसी के दिलों की अंदर से आवाज निकाल के वो बताते हैं बयान करते हैं कि अगला बंदा क्या कह रहा है उसमें डांस भी है भंगड़ा भी है अरदास भी है और अपना प्रेम भी है क्या क्या नहीं उन्होंने बोल दिया और नेताओं के लिए भी बोल दिया और फौजियों के लिए भी बोल दिया। फौजियों के लिए तो मैं सलूट कहती हूँ क्योंकि जिन फौजियों ने हमारा देश संभाल रखा है हम मौज कर रहे हैं मस्ती कर रहे हैं और वो सारी जो बागडोर है उन लोगों के हाथ में है और वाकई में नेता लोग तो ऑर्डर देते हैं कि ये करो वो करो वो करो करने वाले तो वहां फौजी होते हैं। आई होप गाना बहुत जबरदस्त दिल के आर पार कोई सीमा नहीं कोई जोड़ नहीं कोई तोड़ नहीं बहुत सुंदर गाना। तो यार इसमें मैं क्या बोलूं सब बात मम्मी ने बता दी आपको बेसिकली यार ये जो गाना है ना बहुत जबरदस्त है। देखो बब्बू मान पाजी को ना उस्ताद क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। ये एक लोता ऐसा आदमी है जो कि ना जैंकी वैंकी गाने निकालने में ज्यादा विश्वास रखता नहीं है ये फैक्ट्स के ऊपर सॉन्ग्स निकालने में विश्वास रखते हैं। मतलब अगर आप बेसिकली इस गाने को कान लगा के कान में लीड लगा के आंख बंद करके सोचोगे ना
तो ये वो फीलिंग शेयर करिए जो कि फौजियों की बीबियां अपने मन में रखती है, पुलिस वाले की बीबी अपने मन में रखती है। जब भी आप अपने घर में दिवाली दशहरा कुछ मनाते हो ना, उस टाइम पे ये लोग बॉर्डर पे या फिर चौक पर खड़े होते हैं आप लोगों की सलामती के लिए। तो इन लोगों के त्योहार तो कभी बन ही नहीं पाते, क्योंकि त्योहार तभी होगा जब इनका महबूब इनके पास होगा, जिनसे ये प्यार करती है वो वहां होता है, ये यहाँ होते हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसी ऐसी सरहदों पर होते हैं जहाँ पे कॉन्टेक्ट ही नहीं मिल पाते, सर्दियां इतनी होती है, तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करे हैं। तो इस गाने के ऊपर एक लेसन है, जिस लेसन को सुनकर हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने देश के किसान, अपने देश के फौजी और अपने देश के जितने भी रक्षक हैं सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और सलूट टू बब्बू मान की, उन्होंने इतना जबरदस्त गाना लिखा है, मुझे बहुत दिल की आवाज बहुत अच्छी आई है। और बब्बू मान पाजी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा, एक औरत का सहारा लेके उन्होंने हम सबको बताया कि उसके मन में क्या बातें चलती हैं जब वो अपने पति के बारे में सोचती है। तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन। आई होप आपको ये गाना और हमारा रिएक्शन 1% भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, साथ के नोटिफिकेशन बेल दबा देना, उससे क्या होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गाने पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, उससे क्या होगा हम आपके बताए गाने पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।